अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को ऑफिस छोड़ने। बाहर बहुत गर्मी हो रही है और आज 10 मुहर्रम का दिन भी है, बहुत सख्त गर्मी है। तो चलते हैं इनको छोड़ने, आगे फिर आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिब भाई, कैसे हैं आप? मैं फिट, अपनी सुनाओ। गला क्यों खराब हुआ आपका? बाहर बहुत गर्मी है आज। लस्सी पी है ऐसे। लस्सी पिया आपने? ये हमारे जुगनू साथ, आप भी जा रहे हैं साथ? जी जी जा रहे हैं। इधर जा रहे हैं जिधर आप जा रहे हैं। सही तरह बात कर दिया करें आप। ये बहस कंडा है, मां का दीना बात नहीं करता। सही क्या कौन सा उस्ताद है यार? जुगनू उस्ताद टंकी वाला। टंकी वाला जिससे भी टंकी साफ करानी हो हमसे रब्ता करें, स्पेशल हमने बंदा रखा हुआ है। तो गाड़ी चला रहे हैं हमारे आतिब भाई। गर्मी बहुत सख्त है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। आतिब भाई जी सर, कुछ बताएं 10 मुहर्रम के बारे में। 10 मुहर्रम के वाले से मैं 3 बातें कहूंगा कि 10 मुहर्रम को रोजा रखना चाहिए। तो आपके गुनाह जितने पिछले साल के गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला रोजे की बरकत से माफ़ कर देता है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि आप जो है 10 मुहर्रम को अपने फैमिली पे खुला खर्च करें, उनके लिए चीज़ें लेके उनके ऊपर खुश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर खर्च करें, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अदा फरमाता है। माशा। और आप जुगनू उस्ताद? कुरबाश। आप कल गए नहीं है किधर? बजरस में। बस वैसे। क्यों वैसे? आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दे थोड़ा सा, किधर जा रही हैं? ये हमारी क्या जोन है? ये मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ और ये सारे जो निकम्मे हैं, ये कोई काम नहीं करते। अच्छा। गाड़ी लेके फिरते रहते हैं। अच्छा। जो कह रहे हैं रोजा रखे, उन्होंने खुद बिल्कुल रोजा नहीं रखा। सिर्फ लेक्चर दे रहे की रोजा रखे आप लोगों को, रोजा इन लोगों ने बिल्कुल खुद नहीं रखा। बिल्कुल मैंने रोजा नहीं रखा, लेकिन मैंने कहा है की आप रोजा रखे, कोशिश करें। क्योंकि मैंने अच्छी बात बताई है और अच्छी बात आगे बताना सदका जारी है। मैं नहीं रख सका किसी वजह से। अच्छी बात पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल अमल करना चाहिए, लेकिन यह कि रोजा रखना चाहिए। इनका जरा भूख का मसला है, इसलिए रोजा नहीं रखना चाहिए। ठीक है गाइस, हम इनको छोड़ते हैं ऑफिस, तो फिर आपसे मिलते हैं। ओके। तो गाइस ये देख सकते हैं हम इनको ऑफिस ड्रॉप करने आ गए हैं। तो किराया कौन देगा? बाजी किराया, बाजी किराया। तुम लोग जाते हो देखने के लिए ना, मना तुम लोग को घर में कोई नहीं घुसने देगा। किराया देना बाजी किराया। छोड़ो यार, माफ कर दो यार। ओके अल्लाह हाफिज। अब हम जाएंगे रास्ते में, देखते हैं कुछ भी। फैसल बैंक का, बैंक से पैसे निकलवाने। अच्छा पैसे निकलवाने, फिर देखेंगे कुछ भी। उधर से पियेंगे पानी। क्यों? और मैं खाऊंगा चावल। चावल ओके। और कुछ फ्रूट वगैरह भी लेना है, दही लेना है, वो लेके फिर चलते हैं घर वापस। गर्मी बहुत सख्त हो रही है बाहर, अल्लाह कोई बारिश दे दे बस। तो हाँ गई, अभी आए हैं मार्केट में, लेते हैं दही इधर से, फिर चलते हैं वापस। कोई फ्रूट वगैरह लेना वो भी लेते हैं। दही दे दे। ले लिया, आप चलते हैं आगे। तो हम हैं गाइस, अभी लेते हैं फ्रूट। जिन लोगों ने रोजा रखा उन्हें इफ्तार कराएंगे शाम में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है यार, किस तरह है? तो हाँ जी, हमने ले लिया कोई फ्रूट शूट, थोड़ा मैंने खाया थोड़ा। ये मैंने अपने फेवरेट बनाना लिया, जिगनू भाई ने बनाना लिया हमने। अब चलते हैं घर में, फिर होती है बात आपसे। तो वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ गए हैं वापस। तो हमारे फर्स्ट टाइम में अभी फुटबॉल खेलने आए हैं। तो आप बस देखें कैसे खेल रहे हैं, कैसे मैच चल रहा है, और हम लोग दिखाते हैं बच्चे क्या खेलने आए। चलो खेलते हैं, हम लोग तो पास पास खेलते हैं। चलो तो हम लोग अभी पास पास खेलने वाले हैं। कहाँ जाओ? वहाँ पे आए, वहाँ पे हम चल के आपको पेनल्टी दिखाएंगे हमारी। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं पेनल्टी मारने वाला हूँ, मैं कल मारूंगा, देखते हैं कैसे लगती है। साइड प्रैक्टिस आ अब हम लोग आपको दिखाएंगे बड़ों का मैच, बड़े कैसे खेल रहे हैं और कितने गोल्स कर रहे हैं। तो हम लोग ये करते हैं आज ही ब्लॉग एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।